निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों ने और ज्यादा गर्मजोशी दिखाते हुए जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है और उनका समर्थन मांगने की भी जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्राइम टीवी की टीम भी लखनऊ के इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड पहुंची, जहां हमारी मुलाकात निर्दलीय प्रत्याशी रेखा यादव के पति और उनके जनप्रतिनिधि अशोक यादव से हुई है, जहां हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। प्राइम टीवी की टीम प्रदेश भर के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जाकर अब प्रत्याशियों से जायजा ले रही है कि वो अगर चुनाव में जीतते हैं तो किन मुद्दों पे काम करते हुए नजर आएंगे। इसी क्रम में नगर संग्राम कार्यक्रम में इस्माइलगंज द्वितीय में हम पहुंचे हुए हैं, जहाँ रेखा यादव निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। उनके पति अशोक यादव हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही रेखा यादव और अशोक यादव क्षेत्र भर में जाकर और जनता से अपील कर रहे हैं कि हमें वोट दें और तमाम वादों को करते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक यादव से हम सीधा बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले प्राइम टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आप प्राइम टीवी हमारे क्षेत्र वार्ड में आई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ, इसके लिए स्वागत है आपका। अच्छा अशोक जी, अगर बात की जाए तो आप लगातार इस क्षेत्र में रहे हैं और काम कर रहे हैं, जनता के बीच अब जा रहे हैं, अब चुनावी मैदान में हैं, आपकी पत्नी आप प्रतिनिधि के तौर पर वो और आप दोनों जा रहे हैं, क्या समस्याएं प्रमुख नज़र आ रही हैं? हम इस वार्ड में काफ़ी समय से लगे हुए हैं, जनता की समस्याएं बहुत हैं, मतलब कि रोड की समस्या, जाम की समस्या, जल निकासी की समस्या, सीवर की समस्या और फॉगिंग की समस्या, आवारा पशुओं की समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं। इन समस्याओं को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव इसको, और ये समस्याएं जो हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है हमारे जो क्षेत्र जुड़ा है नया वार्ड ग्राम सभा से, गणेशपुर, तिवारीगंज, इसमें जल निकासी की समस्या बहुत है। कमता में कल्याणी बिहार जो है उसमें भी अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, खड़ंजा तो छोड़ दीजिए, मिट्टी का भी काम नहीं हुआ, ऊपर नीचे रोडें बनी हुई है, जब जल भराव होता है, बारिश होती है तो बीमारियां वहां के बच्चों को निकलने, जन सुविधा को असुविधाएँ बहुत पैदा होती हैं। अगर बात की जाए तो अगर आप पे जनता विश्वास जताती है तो किन प्रमुख मुद्दों पे आप सबसे पहले काम करेंगे? जनता विश्वास हमको जताती है, सबसे पहले मुद्दा होगा पूरे वार्ड में जल निकासी का, जल निकासी का, जल भराव अगर नहीं होगा तो बीमारियों का कम होगी। उसके बाद बिजली है, लाइट है और रोडें हैं, सड़कें हैं, शौचालय हैं, और जो आपका मलेरिया होती है, फॉगिंग की जरूरत पड़ेगी जी, बिल्कुल, क्योंकि लखनऊ के अंदर में डेंगू फैला था और लखनऊ की नगर निगम ने हर एक जगह फॉगिंग करवाई थी। अगर ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, कहीं कहीं शिकायत भी आई थी, तो उस वक्त अगर ऐसी समस्या फिर आती है तो अब क्या करेंगे? हम स्वयं वहाँ उस क्षेत्र में जाके फॉगिंग करवाएंगे, क्योंकि अन्य पार्षद जो होते हैं वो फॉगिंग नहीं करवाते हैं, अलग अलग अपने विशेष जगहों पर करवाते हैं, जहां आवश्यकता गंदगी होती, जहां पे ज़रूरत होती है, जहां बीमार होते हैं वहां पे फॉगिंग नहीं, हम स्वयं खड़े होकर फॉगिंग करवाएंगे वहां पे। अच्छा, अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से इस आवास योजना चल रहा है, साथ ही साथ इज्जत घर शौचालय योजना चल रहा है, तमाम नगर विकास की भी योजनाएँ चल रही हैं, कितना ज़मीन पर धरातल पर उतरते हुए नज़र आती हैं? सरकार की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी की जो भी योजनाएं हैं वो हम जीतने के बाद उसको धरातल पे लाएंगे, जैसे शौचालय का, आवास का, विधवा पेंशन का, राशन का, अन्य बहुत योजनाएं हैं, उसको जनता तक मैं पहुंचाऊंगा। आने वाले 4 तारीख को मतदान होना है, इसमें लखनऊ में भी होगा, अगर बात की जाए तो आप अपने इस्माइलगंज द्वितीय की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा, गुलाब वाले सामने पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताएं। अगर बात की जाए तो महिलाओं को लेकर तमाम समस्याएं हैं शौचालय और इस क्षेत्र में, तो उनसे आप कैसे उनको निजात दिलाएंगे? उसके प्रशासन से हम लोग लड़ेंगे, प्रशासन के बीच में जाएंगे, DM हैं, जोनल अधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, उनकी समस्या को लेकर जाएंगे क्षेत्र के, उनसे निस्तारण करवाएंगे, नहीं करेंगे तो धरना देंगे, जनता के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। अशोक जी, अगर बात की जाए तो मटिहारी क्षेत्र में एक ग्रामीण परिवेश के भी लोग रहते हैं, यहाँ पे कई मोहल्ले ऐसे भी हैं जहाँ पर
गलियों गलियां हैं और वहां से कूड़े नहीं उठ पाते हैं, वहां गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं और स्वास्थ्य की समस्या वहां कहीं ना कहीं प्रमुख है, तो ऐसे में आप क्या बदलाव ले आएंगे? हमारे कॉलोनियों में, हमारी गलियों में बहुत सारे खाली प्लाट पड़े हुए हैं जिसे मोहल्ले के लोग वहाँ पर अपने कूड़ा डालते हैं, नगर निगम द्वारा कूड़ा नहीं उठता है। उसके लिए हम लोग करेंगे, जब हम जीत के आएंगे तो वहाँ पे एक यार्ड छोटा सा नगर निगम के द्वारा डस्टबिन लगवाएंगे जिससे गली गली में हर मोहल्ले में कूड़े की और जो समस्या है वो निजात मिल सके। स्वच्छता को लेकर अगर देखा जाए तो आपके वार्ड में स्वच्छता को लेकर साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं जिसे आप आने पर उसमें दुरुस्त करेंगे? अभी तो कोई व्यवस्था ऐसी नहीं दिख रही है। तो व्यवस्थाएं क्या हैं, तर जब आप जीत के आएंगे तो पावर आपके पास होगा। सब स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज़्यादा जो मलेरिया होता है, डेंगू हो जाता है, फॉगिंग की जो व्यवस्था है वो सबसे प्राथमिकता है। फॉगिंग गली गली मतलब कि गांव गांव में सब कहीं जाएगी, सफाई भी कराई जाएगी। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये, हमारे वार्ड में बहुत बड़ी समस्या ये है कि सामुदायिक केंद्र नहीं है, ज़मीनें बिक गई हैं, लोग गरीब लोगों के शादी करने के लिए पैसे उतने नहीं होते जो वो सर्वाइव कर पाएँ। उसके लिए काफ़ी ज़मीनें भूमाफियों के द्वारा बेच दी गई है और जो ज़मीनें पड़ी हैं मैं उनको मुक्त करा के वहाँ सामुदायिक केंद्र बनाऊँगा, हर क्षेत्र में सामुदायिक केंद्र बनाऊँगा, ये भी मेरा कार्य करना है, इसमें प्राथमिकता रहेगी मेरी। तो हमारे साथ इस्माइलगंज द्वितीय के निर्दल प्रत्याशी रेखा यादव के पति अशोक यादव थे जो कि प्रतिनिधि के तौर पर उनके साथ काम कर रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं उससे पहले निजात दिलाएंगे, साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारेंगे और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे अगर जनता चुन के हमें भेजती है। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।